अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सर? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने ए लाइन शर्ट कट की कटिंग शेयर कर रही हूँ, जो कि लॉन्ग में है। सबसे पहले हमने इसकी लेंथ लेनी है। मेरे पास तकरीबन जो कपड़ा है वो 3 मीटर है, तकरीबन 3 मीटर है मेरे पास जो कपड़ा है। क्योंकि हमने लॉन्ग शर्ट बनानी है तो इस वजह से हमें कपड़ा भी ज़्यादा चाहिए इसमें। शॉर्ट शर्ट जो है आपको पता है कम कपड़े में भी तैयार हो जाती है। सबसे पहले हमने इसकी लेंथ कर ली है। मेरे पास जो कपड़ा है वो रेशमी है, तो सबसे पहले मैं इसकी लेंथ करूँगी। लेंथ कितनी है इसकी? मेरे पास जो लेंथ तैयार होगी वो होगी तकरीबन 52। देखें, अगर मैं 52 तैयार करती हूँ तो मैं 54 कट करूँगी 2 इंच फोल्डिंग के लिए। अब हम इसको सही तरीके से कर लेते हैं फोल्ड। ये हमारा आ रहा है इधर से 54, तो ये मैंने निशान लगा लिया। अब हम इसको डबल कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो साइज़ है वो थोड़ा सा खुला है, नॉर्मल से थोड़ा हटके, यानी कि हेल्दी लोगों का है साइज़ है। नॉर्मल साइज़ तो हर कोई कट कर लेता है, लेकिन जो हेल्दी लोगों की फिटिंग बनाना होता है वो थोड़ी मुश्किल होती है। तो आज मैं आपको बड़े वाला साइज़, मतलब कि हेल्दी लोगों का साइज़ कट कर रही हूँ आपके सामने। ये हमने कपड़े को बराबर किया यहाँ से, ये इसकी लेंथ पूरी की हमने। देखिए ये डबल कपड़ा हमने फोल्ड कर लिया इस तरह से। अब मैं इसको इस तरह ही फैलाऊंगी डबल रख के। क्योंकि हमने ए लाइन शेप भी काटना है, इसलिए हमें इसकी चौड़ाई भी थोड़ी ज़्यादा चाहिए, ताकि हम ए लाइन जब काटें तो उसमें हमारी शेप आ। और आपको पता है रेशमी कपड़े को थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल होता है। ये हमारे 4 पीसेस हैं। शोल्डर है वो 18 है, तो हम 18 का हाफ करेंगे और उसके निशान लगाएंगे। ये हमारा 18 और हाफ इंच हम रखेंगे इसका मार्जिन, जो कि हमने सिलाई में आना होता है। उसके बाद हम इसकी, क्योंकि ये हेल्दी है तो इसी वजह से हम इसका जो कंधे का स्ट्रेट आएगा वो हम 9 इंच रखेंगे। ये हमने 9 इंच पे निशान लगाया। हमारा और चेस्ट है इनकी 27। तो हमारे पास जो चेस्ट है इसकी वो है तकरीबन 27, तो उसका हाफ हो जाएगा 13.5। ये हमने चेस्ट का निशान लगाया, तो ये हम इसको सीधा कर देंगे इधर से। उसके बाद हमारे पास कमर है 25, 12.5 का निशान लगाया हमने इसका। और अब हम इसकी चौक बनाएंगे, चौक का निशान लगाएंगे, तो ये हम 13 पे लगा रहे हैं।
और इसके चौक हैं, हिप्स है 24, तो 14 पे हाफ आ जाएगा इसका। ये हमारा निशान हो गया सारा। अब मैं पहले यहीं से कट कर लूँगी, उसके बाद नेक्स्ट वाला निशान आपको बताऊँगी। ए लाइन शर्ट इस तरह हम बनाएंगे। ये हमने जो निशान लगाए हैं, ये हमने वहाँ से काटा इसको। हमारा ऊपर से कट हो गया, तो हम यहाँ से इसको थोड़ा फोल्ड कर देते हैं। ये हम इसका ए लाइन का निशान, ये हमारे हिप्स हो गए। तो हिप्स से हमने यानी कि ये इस तरह से हम इसका निशान लगाएंगे, थोड़ा सा ए ऐसे, यानी कि ये जो हमारा कपड़ा टोटल है वो सारा बीच में आ जाएगा इसका, क्योंकि हमारी शर्ट का साइज जो है वो बड़ा है, तो इस वजह से हम इसको इस तरह से निशान लगाएंगे। ये आपको दिखे नजर आ रहा है। ए लाइन करते करते हमारा जो दामन है वो तकरीबन हो जाएगा 40 इंच, यानी कि 20 इंच इधर से हो जाएगा। तो हमें ए लाइन के साथ ये हमारी ए लाइन शर्ट की कटिंग हो गई। उसके बाद हम इसको अलग अलग कर लेंगे। इधर से दामन जो है इसका फ्रंट और बैक ज्वाइन है, तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे। ये हमारा हो गया। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये कटिंग इजी लगी हो तो आप मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, दोबारा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।